प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो लेक्चर है वो थर्ड सेमेस्टर से रिलेटेड है, ठीक। जिसमें हम बात करने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। और इसके रिड्यूसिबल पार्ट पे डिस्कशन करना है। तो हम कोई यदि इक्वेशंस गिवेन है तो उसको लीनियर फॉर्म में किस तरह से आप रिड्यूस करते हैं, ठीक है। तो वो हमें समझना है। इस तरह का इक्वेशन यदि हो, और इस टाइप के इक्वेशन को आप बोल लेंगे बर्नौलीज इक्वेशन। तो ये वैज्ञानिक बर्नौलीज हैं, ठीक। इन्होंने जो है एक इक्वेशन इस तरह से दी कि उसको हम रिड्यूस करके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं, ठीक। तो क्या मेथड दिया? तो ये है टाइप बर्नौलीज का, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, सॉरी, पी वाई इक्वल्स टू क्यू। तो इतना टाइप तो आपका था लीनियर का, ठीक। बट इसमें क्या है कि क्यू के मल्टीप्लाई में ये आ जाए, ये दैट मीन्स वाई फंक्शन। लीनियर में क्या होता था, ये पी और ये क्यू दोनों फंक्शन ऑफ एक्स होते थे यदि वाई हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता था, दैट इज क्लियर, ठीक। तो यहाँ ये फंक्शन ऑफ जो क्यू है, ठीक, क्यू जो फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो ये एक्स भी है और यहाँ वाई भी है। तो हमें फंक्शन ऑफ एक्स करना है, दैट मीन्स लीनियर में चेंज करना है। तो ये चीज़ आपके पास नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो तरीका क्या है इसको रिड्यूस करने का लीनियर फॉर्म में, तो वो हम समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो क्यू है वो फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए बाई लीनियर फॉर्म, ठीक। तो इस चीज़ का आप डिवाइड कर दें दोनों साइड, जो एक्स्ट्रा यहाँ है ये लीनियर फॉर्म है, बर्नौलीज इक्वेशन ये दिया है, तो इसको रिड्यूस कैसे करते हैं वो है सीखना है, ठीक। सो वाई पावर एन का हम दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ से वाई हट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ ये चीज़ हो जाएगी, वन अपॉन वाई पावर एन आएगा, उसको हम रिवर्स में ले गए, ठीक। तो ये चीज़ मिलेगी आपको, और यहाँ y अपॉन y पावर n आएगा, तो ये y पावर 1 है, नीचे y पावर n आएगा, दैट मीन्स हम ऐसे लिख सकते हैं y पावर जो ऊपर जाएगा माइनस n हो जाएगा, और ये 1 है तो ये प्लस के साथ ऐसे हो जाएगा, ठीक। और इक्वल्स टू यहाँ q बचेगा, दैट इज क्लियर। अब यहाँ पर क्या है कि ये p जो है फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, अब ये जो एक्स्ट्रा है p के साथ, ठीक, पी जो भी है फंक्शन ऑफ एक्स होगा, ये चीज़ जो एक्स्ट्रा हो रही है यहाँ पर, इसको आप कोई नया वेरिएबल मान लीजिए, ठीक। और ऐसा वेरिएबल मानना है डिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे वाई डिपेंडेंट होता तो आप वी मान लीजिए, वी डिपेंडेंट, तो लेट वाई पावर एन प्लस वन इक्वल्स टू वी, इसका हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो माइनस एन प्लस वन वाई पावर माइनस एन प्लस वन माइनस वन इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया, सो ये मिल जाएगा आपको। देन वन माइनस एन बोलेंगे हम इसको, और ये वाई पावर हो जाएगी माइनस एन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक। सो यहाँ से ये चीज़ आप रिप्लेस कर पाएंगे इतनी, ठीक, यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है, इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ये जो है यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, तो वन अपॉन वन माइनस एन डी वी अपॉन डी एक्स। तो हम इस इक्वेशन से फिर जो है इसको भी में चेंज कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा वन बाई वन माइनस एन इंटू, ठीक है, ये पूरा पार्ट रिप्लेस हो रहा है, तो किससे, वन अपॉन वन माइनस एन इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। अब वी यहाँ हो जाएगा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज क्लियर, प्लस पी, और इसको आपने माना है वी डिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल्स टू क्यू। सो अब यहाँ अगर हम इसको लीनियर में चेंज करना है, तो डी वी अपॉन डी एक्स वी डिपेंडेंट है, इसके कोफिशियंट में वन होना चाहिए, तो इस चीज़ का जो है आप डिवाइडेशन कर दीजिए। तो डिवाइडेशन करेंगे तो यहाँ पर तो वन हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा जब डिवाइडेशन करें, तो वन माइनस एन का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, पी के साथ इक्वल्स टू, और क्यू के साथ वन माइनस एन का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कॉन्स्टेंट वैल्यू रहेगी ये, ठीक है। और पी फंक्शन ऑफ एक्स रहेगा, क्यू फंक्शन ऑफ एक्स रहेगा, ये कॉन्स्टेंट है, ठीक। तो यहाँ एक्स नहीं, मतलब ये एक्स में हो गया, ये एक्स में हो गया, और भी हमारा हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। सो ये इस टाइप का हो गया, दैट मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू टाइप का, ठीक है। इसमें वाई डिपेंडेंट, इसमें वी डिपेंडेंट, देन इसका हम सॉल्यूशन अब उसी तरह से करेंगे, ठीक है। पी की वैल्यू निकाल लेंगे, क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे, और इसके लिए सॉल्यूशन हम लगा देंगे वी इंटू आई एफ, ठीक है, आई एफ इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ठीक है, क्योंकि इतना इंडिपेंडेंट एक्स है, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्यू और सन पी डी एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है।
और वी जो आपने फिर माना था, वी की जगह जिसको भी माना था आपने, इसको भी माना था, ये वैल्यू पुट अप कर देंगे, एट लास्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ से आपका लीनियर फॉर्म में चेंज हो गया, फिर वही तरीका आपका जो लीनियर फॉर्म में आप करते थे। दैट इज क्लियर। तो ये चीज़ आपको समझना है, क्योंकि पास में जो वैल्यू है उसका डिवाइड करिए, डिवाइड करने से आपको जो मिलेगा पी के गुणांक में उसको आप वी मान लीजिए, ठीक है, और उसको चेंज कर दीजिए, तो ये लीनियर फॉर्म में चेंज हो गया। ये तरीका होता है जो है रिड्यूस करने का लीनियर फॉर्म में। तो चलिए इस पे हम एक रिलेटेड जो है क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हम देते हैं आपको लीनियर फॉर्म में चेंज करने के लिए। ठीक, तो ये हम यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आया सॉल्व डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई पावर सिक्स। देखिए अब यदि हमें इसको सॉल्व करना है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या है, ये लीनियर फॉर्म अभी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए y तो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक, y डिपेंडेंट हो गया, ये p की वैल्यू हो गई यानी फंक्शन ऑफ x, लेकिन q जो है वो फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, बट इसमें y जो पावर 6 है ये एक्स्ट्रा वैल्यू है। तो इसको हम क्या करें, इसको जो है हम डिवाइड कर दें दोनों साइड। ठीक है, ये दैट मीन्स ये आपका बर्नौली टाइप इक्वेशन है। ठीक, सो हम चेंज करेंगे लीनियर में, फिर लीनियर की तरह से सॉल्व करेंगे। तो ये चीज़ जो है यहाँ फंक्शन ऑफ एक्स जो यहाँ क्यू होना चाहिए था, पूरा एक्स होना चाहिए था, लेकिन यहाँ वाई है, तो हम इसी चीज़ का डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड। तो यहाँ मिल जाएगा वन अपॉन वाई पावर सिक्स डी वाई अपॉन डी एक्स वन अपॉन एक्स, और यहाँ मिलेगा वन अपॉन वाई पावर फाइव मिलेगा। ठीक, इक्वल्स टू यहाँ मिलेगा एक्स स्क्वायर, ये मिल जाएगा। अब हमने आपको बताया था नेक्स्ट लाइन में कि जो पी के यहाँ यानी कि एक्स के अलावा जो है उसको आप वी मान लीजिए। ठीक, सो हमने मान लिया वन अपॉन वाई पावर सिक्स को वी, देन इसका आकलन कर देंगे, माइनस वन अपॉन वाई पावर सिक्स हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी एक्स। सो अब देखिए क्या आप रिप्लेस कर पाएंगे, ये चीज़ रिप्लेस कर पाएंगे किससे, माइनस को उस तरफ ले जाइए, देन रिप्लेस होगा, सो मिलेगा डी वी अपॉन डी एक्स, वो भी माइनस का, प्लस वन अपॉन एक्स इंटू वी, इसको आपने वी मान लिया, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये देखिए अभी यहाँ इसके गुणांक में वन होना चाहिए, तो माइनस का दोनों साइड आप करा दें मल्टीप्लाई, सो ये मिल जाएगा आपको। ये देखिए हमने माइनस में लिखा, यहाँ माइनस का एक्स स्क्वायर। दैट इज क्लियर, दिस इज लीनियर फॉर्म व्हेन वी इज डिपेंडेंट वेरिएबल। सो इसका सॉल्यूशन हम जानते हैं, वी इंटू इंटीग्रेशन ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी एंड डी एक्स, इंडिपेंडेंट है डी एक्स, ठीक, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्यू ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस सी, ये है। तो ये वैल्यू पहले आप अलग से आई एफ की वैल्यू निकालेंगे, चाहे तो हम यहीं डायरेक्ट कर देखते हैं, वी ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी है माइनस वन अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्यू माइनस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर इंटीग्रेशन माइनस वन अपॉन एक्स डी एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। तो ये पहले आप इतना आई एफ जो है इंटीग्रल फैक्टर उसको सॉल्व कर लेंगे। सो वी वी की चाहे तो आप अभी वैल्यू रख दें, ठीक है, तो बाद में क्योंकि और कहीं वी है नहीं, तो यहीं पे वी रख दें, तो वी की वैल्यू आपने जो मानी थी वो रख दें। ठीक है, तो आपको बाद में चेंज नहीं करना पड़ेगा, यही आंसर में आ जाएगा। ई टू द पावर ये बचेगा, माइनस आप बाहर कर लेंगे, ठीक है, और वन अपॉन एक्स का हो जाएगा लॉग एक्स इंटीग्रेशन, इसका हो जाएगा माइनस लॉग एक्स डी एक्स प्लस सी। अब यहाँ हम एक लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे और उसको उस तरह सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सो प्रॉपर्टी आप क्या लगाएंगे, वन अपॉन वाई पावर फाइव इक्वल्स सॉरी इंटू यहाँ हो जाएगा माइनस वन है ही, इसको यहाँ ले जाएंगे तो एक्स पावर माइनस वन बचेगा और ई टू द पावर लॉग ई ऐसे बनेगा और ये हो जाएगा एक्स पावर माइनस वन। ठीक है, सेम यहाँ पर बनेगा, ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन हमारा जो लास्ट में आएगा सॉल्यूशन कुछ इस तरह से आएगा, हम यहाँ कर देते हैं बाकी का सॉल्यूशन। ठीक है, सो क्या मिलेगा, मिलेगा वन अपॉन वाई पावर फाइव इंटू
एक्स पावर माइनस वन अकेला मिलेगा, एक्स पावर माइनस वन यानी कि वन अपॉन एक्स, आप लिख दें इसको, कोई दिक्कत नहीं। इंटीग्रेशन क्यू की वैल्यू है तो माइनस बाहर कर लें वहाँ से, जो माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है उसको बाहर कर लें, तो एक्स स्क्वायर और बाकी जो है उसका सॉल्यूशन वन अपॉन एक्स आया डी एक्स प्लस सी। तो ये एट लास्ट लेफ्ट हैंड साइड तो वही रहेगी, राइट हैंड साइड में यहाँ आ जाएगा एक्स एक्स कट जाएगा, दैट मीन्स एक्स डी एक्स प्लस सी, और एक्स डी एक्स का आप करेंगे तो फिर से एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी, तो ये आ जाएगा आपका लास्ट में आंसर। ठीक है, तो ये आपने सॉल्व कर लिया। सबसे पहले आपने क्या किया, इसको लीनियर फॉर्म में चेंज किया, और लीनियर फॉर्म में चेंज करने के बाद आपने इसका आंसर निकाला। ठीक है, चलिए ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन हम इसी पर रिलेटेड और देख लेते हैं। ठीक, तो इसको आप मिटा देते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए हम जो है एक जगह आपको दो क्वेश्चन बता दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन यह है कि एक्स हो डी वाई अपॉन डी एक्स हो प्लस वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर लॉग एक्स, ये चीज़ आपको गिवन है, देन सॉल्यूशन हम करेंगे। ठीक, अब यहाँ देखिए, यहाँ ये लिनियर फॉर्म नहीं है, ठीक है, और ना ही आपकी बर्नौलीज फॉर्म है, क्योंकि बर्नौलीज फॉर्म में भी इसके कोफिशिएंट में वन होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको वन करते हैं, तो हम क्या करें, दोनों साइड एक्स का डिवाइड कर दें, तो इसमें डिवाइड करें एक्स कट जाएगा, यहाँ पर वन अपॉन एक्स बचेगा, वाई बचेगा, यहाँ वाई स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक, अब यदि हम थोड़ा थोड़ा इसमें देख रहे हैं कि ये पी है फंक्शन ऑफ एक्स हो गया, ठीक, ये क्यू है फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए, बट इसमें वाई स्क्वायर एक्स्ट्रा है, तो वाई स्क्वायर का दोनों साइड कर दें डिवाइड, तो यहाँ आ जाएगा वन अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ आ जाएगा वन अपॉन एक्स और इंटू वन अपॉन वाई बचेगा, क्योंकि वाई स्क्वायर का डिवाइड करेंगे। ठीक, यहाँ पर लॉग एक्स अपॉन एक्स बचेगा, दैट इज क्लियर। अब हमने बताया था पी के पास जितने भी वैल्यू है उसको आप वी मान लें, वन अपॉन वाई को हमने वी माना, अवकलन किया तो माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी एक्स। अब ये चीज रिप्लेस करेंगे माइनस डी वी अपॉन डी एक्स से, ये वाला पार्ट। ठीक, सो रिप्लेस हुआ, सो आया माइनस का डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, इसमें देख रहे हैं हम। ठीक है, वन अपॉन वाई को हमने वी माना इक्वल्स टू लॉग एक्स अपॉन एक्स। अब यहाँ वी डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, तो यहाँ परसेंट वन कर लीजिए, माइनस का दोनों साइड कर दीजिए मल्टीप्लाई, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स, यहाँ पर जो है क्यू की वैल्यू चेंज हो गई। ठीक, देन पी की वैल्यू क्या हो गई, माइनस वन अपॉन एक्स, और क्यू जो हो गया वो हो गया माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स। ठीक, देन इसका सॉल्यूशन आएगा वी इंटू आई एफ, और आई एफ का मान होगा इंटीग्रल फैक्टर का, वो आप जानते हैं क्या होना चाहिए था। ठीक है, अभी हम आगे लिखते हैं क्या होगा इसका मान, इसको हम नंबर वन दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, आई एफ जो होगा, आई एफ आपका ये रहेगा, इसको आप चाहें तो पहले निकाल लें, तो आई एफ इक्वल्स टू इसका मान होगा ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा नीचे वो एक्स। ठीक, इसके हिसाब से हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये आई एफ का मान होगा, निकाल लेते हैं, पी है आपका माइनस वन अपॉन एक्स डी एक्स, तो आएगा ई टू द पावर इंटीग्रेशन, माइनस बाहर कर लें लॉग एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो एक्स पावर माइनस वन आएगा, दैट मीन्स इसका सीधा सीधे मान आ जाएगा माइनस का वन अपॉन एक्स। ये वैल्यू हम आई एफ यहाँ पुटअप करेंगे, सो हमें सॉल्यूशन मिलेगा वी इंटू माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्यू, क्यू की वैल्यू रखेंगे माइनस का लॉग एक्स अपॉन एक्स इंटू आई एफ माइनस वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे, वी की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दें, वी को क्या माना था, वन अपॉन वाई, वन अपॉन वाई एंड वन अपॉन एक्स थ्री आ गया माइनस का वन अपॉन एक्स वाई। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप माइनस माइनस प्लस कर देंगे, इंटीग्रेशन किसका बचेगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स पावर माइनस टू इस तरह से हम कर लेंगे, और लॉग एक्स कर लेंगे डी एक्स प्लस सी। अब यहाँ फर्स्ट सेकेंड का पार्ट लगेगा, तो फर्स्ट आप मान लेंगे किसको, लॉग एक्स को। ठीक है, क्योंकि इसका आपको अवकलन पता है, इंटीग्रेशन पता नहीं है, तो हमने लॉग एक्स को जो है मान लिया फर्स्ट, फर्स्ट और सेकेंड का हम करेंगे
इंटीग्रेट, तो एक्स पावर माइनस टू का इंटीग्रेट एक्स पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, यानी कि माइनस नीचे का माइनस आएगा और एक्स पावर माइनस वन आएगा, इस तरीके से माइनस वन अपॉन एक्स आएगा, ठीक है। फिर माइनस इंटीग्रेशन, फर्स्ट का आप डिफ्रेंशिएट करेंगे लॉग एक्स का तो वन अपॉन एक्स, और इसका करेंगे तो माइनस का वन अपॉन एक्स और डी एक्स प्लस सी। थोड़ा हम और आगे बढ़ेंगे देन लॉग एक्स और इंटू में वन अपॉन एक्स, ठीक है, माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन बचेगा एक्स पावर माइनस टू का डी एक्स, ठीक है, नीचे एक्स स्क्वायर ऊपर आप ले जाएंगे तो इस तरह से मिलेगा माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स, एंड यहाँ आप करेंगे तो माइनस वन अपॉन एक्स आएगा इसका इंटीग्रेट, तो आप यहाँ माइनस कर देंगे ये, सो एट लास्ट ये आपका माइनस वन अपॉन एक्स हो आएगी। चाहे तो दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये प्लस का और ये माइनस का, सो लास्ट में आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक समझ गए होंगे बर्नौलीज टाइप इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, और उसको हम किस तरीके से लीनियर फॉर्म में चेंज करते हैं, और चेंज करने के बाद फिर आपका वही तरीका जो आप लीनियर फॉर्म से करते थे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।